हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर आपका 9 है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उन्हीं में से मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के विषय इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आपका जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को परिभाषित करें एम इसकी प्रकृति महत्व को लिखें। तो हमने टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को परिभाषित करें एम इसकी प्रकृति महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है क्या और इसके प्रकृति क्या है और इसके महत्व। चलिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में आवागमन के बढ़ते हुए साधनों में पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्व है। वर्तमान समय में क्या हुआ कि आवागमन के बढ़ते हुए साधनों ने पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का काफ़ी महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को विभिन्न रूपों में परिभाषित, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को विभिन्न वैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से पहला है पीटी एल्सवर्थ के अनुसार इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है। चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न राष्ट्रों के आपसी आर्थिक संबंध होते हैं। यानी अर्थशास्त्र का संबंध जो है अर्थशास्त्री है, तो उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जो इंटरनेशनल, वो भी एक राष्ट्रों के आपसी संबंधों से है। ये कहा गया पीटी एल्सवर्थ के अनुसार। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनमें आर्थिक संबंधों की शुरुआत होती है और उनके कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती है। जब दो देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच संबंध होती है व्यापार से, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक संबंधों एवं उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर हैरोड के अनुसार, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अपने भी ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अगर इसके शब्दों में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदे से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते, यानी कि जो देश की सीमा से बाहर किए जाते, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि बाहर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो वही शब्द यहाँ पे बोले प्रोफेसर हैरोड के, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के जो संबंध है उन समस्त आर्थिक सौदे से हैं जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल यानी कि बाहर में जो राष्ट्र से बाहर किए जाते हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाए। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, अब अपने शब्दों में आप लोगों को परिभाषित करना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच व्यापार से पैदा होने वाले आर्थिक संबंधों में उनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है एक अर्थशास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत जो विभिन्न देशों के बीच यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंधित और उनसे आर्थिक संबंधों के आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है, अब इसके प्रकृति को समझने वाले हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात वह विज्ञान है या नहीं। अब प्रश्न उठता है विज्ञान क्या है, तो विज्ञान किसी भी विषय के कर्मबद्ध ज्ञान को कहते हैं जिसमें किसी भी तत्व को विशेष के कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। साथ ही वह किसी को भी घटना चक्र के बारे में सामान्य नियमों का निर्धारित कर सके, उसे विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त तत्वों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की सभी प्रक्रियाओं में आपस में समन्वय होना आवश्यक है। सही बात है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में समन्वय होना आवश्यक है। इस व्यू से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि यह भी एक कर्मबद्ध ज्ञान है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी ज्ञान की वह शाखा है जिसके तत्वों के अनुसार कर्मबद्ध के रूप में एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक विज्ञान, इसका आभास प्रोफेसर किंडरबर्ग के इस कथन से भी होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोफेसर किंडरबर्ग ने भी अपने ढंग से परिभाषित किया है कि बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की दुनिया में अथवा बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय
अनुवाद या दोनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र ज्ञान और समझौते का एक विशेष महत्वपूर्ण साधन है। अगर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र एक विज्ञान है, पर यह एक आश्रित विज्ञान है और अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र इनका घनिष्ठ संबंध है और यह उन पर आश्रित है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है एक आश्रित विज्ञान माना गया, ठीक है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र इनका घनिष्ठ संबंध और यह उन पर आश्रित होता है। अब इसके महत्व को देखेंगे तो महत्व में आपको इम्पॉर्टेंस जो टर्म ये सब पॉइंट का याद रखना है, क्योंकि आप ये सब अपने से लिख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र का महत्व है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अध्ययन के अनेक महत्व जिनके हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिनमें से पहला इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पहला इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे होता है तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र का अध्ययन हमें यह बतलाता है कि अनेक समस्याएँ हैं जो एकांकी प्रयास से हल नहीं हो सकती, वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के द्वारा हल की जा सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर ही विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने के लिए बहुत से संस्थाएं बनाए गए, जैसे आपका मौद्रिक कोष हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मौद्रिक कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आदि का निर्माण किया जाता है ताकि एक दूसरे देश की मदद हो सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए इम्पोर्टेंट टर्म माना गया है, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में उन सभी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा आपका पॉइंट है मानसिक धरातल का विकास। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन लोगों के मानसिक धरातल को विकसित करके उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे राष्ट्रीयता की संकीर्ण भावना से ऊपर सोचे। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र का अध्ययन हमें यह बतलाता है कि भूतकाल से राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी और श्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा पॉइंट आपका भुगतान संतुलन का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में तीसरा पॉइंट है भुगतान संतुलन का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के द्वारा विभिन्न देशों के संतुलन का करके हम यह जान सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से भुगतान करने के कौन कौन से साधन है। दूसरा पॉइंट ये भी हम जान सकते हैं इससे कि एक देश द्वारा दूसरे देश को भुगतान करने के लिए किन किन तरीकों का अपना सकता है। और तीसरा यहाँ जो पॉइंट है किसी देश के भुगतान संतुलन और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, भुगतान संतुलन को किन विधियों द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये चार पॉइंट जो है ये भुगतान संतुलन के में अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक देश दूसरे देश का भुगतान करने में कौन कौन से साधन है, दूसरा है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को भुगतान करने के लिए कौन कौन किन किन तरीकों को अपनाया जाता है और ये कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, ये जितने भी पॉइंट है भुगतान संतुलन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी टोटल चार पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हमने